नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर पतंगबाजी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ख़ासकर भोपाल में। भोपाल नवाबों का शहर है लेकिन यहाँ पर पतंगबाजी के शौकीन कम नहीं हैं। मैं भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पर पतंगों की लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। आप देखिए, ये भैया पतंग बेच रहे हैं, तरह तरह की पतंगें इनके पास है। आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी नई नई डिज़ाइन में पतंगें इनके पास मौजूद हैं। बच्चे दूर से ही पतंग को देखकर रुक जा रहे हैं। ये बच्चे हैं और कहीं ना कहीं इनकी निगाहें इन नई नई पतंगों पर गई और ये बच्चे एक तक इस पतंग को देखते रह गए और उनके पेरेंट्स इस पतंग का भाव पूछने के लिए दुकान पर आ गए। यानी जो पतंग है वो काफ़ी आकर्षित है, आकर्षक का केंद्र बन रही है इन बच्चों के लिए। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये हवाई जहाज़ वाली पतंग है। हवाई जहाज़ का शेप इसको दिया गया है। और भी डिफरेंट पतंगे देखिए, एक वो पतंग है। यहाँ बहुत सारे जो है गिर्रे पड़े हुए हैं, मांझा रखा हुआ है, बड़ी बड़ी पतंगे, मतलब 10 रुपये की पतंग से लेकर आपको यहाँ 2000 तक की पतंग मिल जाएगी। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन यहाँ 2000 रुपये तक की पतंग मौजूद है। भैया, ये पतंग कितने की है, ये जो हाथ में रखी है? भैया 400-500 रुपये की। ये 400 रुपये की कौन सी? ये वाली, प्लेन वाली। हाँ, प्लेन वाली 400 रुपये की है। और ये बड़ी जो पतंग, ये बड़ी लगी हुई है, ये कितने की? 1200 रुपये की। हाँ जी, अभी सुबह से अभी तक कुछ लोग ले गए पतंग? यहाँ ले गए, बहुत लोग ले गए। कैसा रिस्पॉन्स है, बिजनेस है? अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, संक्रांति का मौका है, बच्चे यहाँ पर हैं। बच्चे, आप बेटिया बताएंगे कैसी लग रही है पतंग? अच्छी लग रही है। क्या नाम है आपका? आयशा साबिर। आयशा, ये बताओ, पतंगबाजी करते हो आप? हाँ, एक बार मैंने जब पापा ऑफिस में थे तो मैंने खुद ही पतंग उड़ाई थी। अरे क्या बात है, ये पतंग आपको पसंद आई? हाँ। और ये आपका क्या नाम है बेटा? अजमा साबिर। आपको पतंग उड़ाना आती है? हाँ। आप आज पतंग उड़ाएंगे? हाँ। तो देखिए, ये नन्नी मुन्नी बच्ची है लेकिन पतंग की शौकीन है। आज मकर संक्रांति का मौका है। चलिए, मैं आगे भी आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है पतंग खरीदने के लिए आए हुए हैं। एक भैया खड़े हुए हैं, मांझा यहाँ पर वो खरीद रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप पटेल। प्रदीप जी, क्या लेने आए हैं आप? मैं अपने बच्चे के लिए पतंग और ये चरखी वगैरह लेने आया। चरखी, पतंग सब लिया। कितने की पतंग ली आपने? मैंने ये 30 रुपये की पतंग, ये सब मिला के 100-150 रुपये का। 100-150 रुपये का आइटम इन्होंने लिया है और डिफरेंट तरीके की यहाँ पर पतंग मिल रही। कैसे लग रही हैं आपकी पतंगें आपको? अच्छी हैं, कलरफुल हैं पतंगें सारी। मज़ा आ रहा है संक्रांति आता है। हाँ, चलिए, तो संक्रांति का मौका है। आप देखिए, ये पतंग है, ये कागज की पतंग है। भैया, ये कितने की है? 20 रुपये की। ये 20 रुपये की पतंग है और ग्राहक दूर दूर से लेने के लिए गाड़ियों से यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के मांझे। भैया, कितने तरह के मांझे आपके पास? बहुत तरह के, 10-12 तरह के। नाम बताएंगे कुछ? पांडा मांडा, बहुत सारे तरह के पांडा, चील, बहुत सारी। पतंग कितने तरह की? पतंग तो बहुत तरह की, 10-12 तरह की। अच्छा, तो बहुत सारी डिज़ाइनों में यहाँ पर पतंग इनके पास मौजूद है। मैं आगे भी पूरा बाज़ार आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, आगे भी आइए। ये पन्नी वाली पतंग हैं, वो बड़ी पतंग आप देखें। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की है? ये कितने की? ये 1000 रुपये की पतंग है और इसके लिए बड़ा मैदान चाहिए होता है आपको उड़ाने के लिए। और कई पतंगें छोटी 5 रुपये से लेके 10 रुपये और अलग अलग वैरायटी में यहाँ पर पतंग आपको देखने को मिल जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आगे भी आइए, ज़रा देखें। ये बिल्कुल नई नई डिज़ाइनों में, बाज की स्टाइल में आपको यहाँ पर पतंग देखने को मिल जाएगी। और भी अलग अलग वैरायटी में यहाँ पर बहुत सारी पतंग मौजूद है। भैया, ये पतंग कितने की है? ये 1400 रुपये की पतंग। ज़रा आप इधर आगे से भी देखें, इस पतंग का साइज़ देखें कि कितनी बड़ी साइज़ की ये पतंग है। पतंग उड़ाने में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इसके लिए बड़ा मैदान चाहिए इतनी बड़ी पतंग उड़ाने के लिए। और अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं, पतंगबाज हैं, पतंगबाजी करना चाहते हैं, तो ये पतंग आपके लिए बेहद ही ख़ास है। भोपाल में मिल रही है, 1400 रुपये इसका प्राइस है। खैर, बहुत सारी पतंगें और भी यहाँ मौजूद हैं,
ये डिफरेंट है। छोटी छोटी और भी पतंगे हैं, कई तरह के मांझे हैं, चाइना के बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये भैया जो है, भैया क्या नाम है आपका? अशफाक। आज कैसी दुकानदारी? मद्दा है, बहुत मद्दा है। अभी क्या लगता है शाम तक उठाव आएगा? देखते हैं, अभी तो कुछ कहा नहीं जाता। सीएम साहब निकले तो यहाँ पुलिस वालों ने तो पूरा हटवा दिया था अभी यहाँ, मतलब तो बहुत ही मद्दा हो गया अभी तो। कितनी हाई रेंज की पतंग कौन सी है आपके पास? यही है अपने पास, ऑरेंज वाली है। अभी कुछ बड़ी पतंगों की बिक्री हुई है? नहीं अभी तो नहीं हुई, लगता है शाम तक बिकेगी। हाँ उम्मीद तो है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, शाम तक हो सकता है ये बड़ी पतंगे भी खरीदार यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। मकर संक्रांति का मौका है और लोग देख सकते हैं यहाँ पर पतंग खरीदने के लिए आ रहे हैं। अगर आप भी पतंगबाजी के शौकीन हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और इनको भी रोज़गार दीजिए और पतंगबाजी करके मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइए। हम राष्ट्र आजकल की टीम आपको रोज़ाना नए नए वीडियो दिखाती रहती है। अभी दीजिए हमको इजाज़त, नमस्कार। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाज़ा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं, थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो, ओह यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।